इस वीडियो में हम सीखेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। नॉन प्रॉफिट जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस यानी ऐसी तंजीमें जो प्रॉफिट को कमाने के लिए काम नहीं कर रही, उनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। अब अगर वो प्रॉफिट को कमाने के लिए काम नहीं कर रही तो वो काम क्यों कर रही हैं? उनके काम का मकसद है वेलफेयर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, यानी मुआशरे की खुशहाली के लिए वो काम कर रही हैं। और किसी कंट्री में जितनी ज़्यादा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आएंगी, इसका मतलब है उस सोसाइटी के, उस कंट्री के लोग उतने ही ज़्यादा खुशहाल हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती हैं ये हम देख लेते हैं। बहुत से स्कूल्स या कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स या ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, इस तरह इसके अलावा क्लब्स वगैरह, इस तरह जितने भी लोग माशरे की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं और उनका बुनियादी मकसद यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ये हमारे पास एक कैंसर हॉस्पिटल है, यहाँ पर इसको डिफरेंट लोग चला रहे हैं और यहाँ पर पेशेंट्स का, मरीज़ों का इलाज किया जाता है और सोसाइटी के, माशरे के डिफरेंट लोग हैं जो कि अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं इस हॉस्पिटल में, और जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं उसको सब्सक्रिप्शन फ़ी या सब्सक्रिप्शन कहते हैं। मेंबर्स जो हैं वो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो वो जो मंथली या एनुअल बेसिस पर अमाउंट पे करेंगे जिससे ये हॉस्पिटल चलाया जाएगा, वो अमाउंट सब्सक्रिप्शन कहलाएगी। हम सब्सक्रिप्शंस लिख देते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो माशरे की खुशहाली के लिए करते हैं, तो इसका हम चेक क्यों रखते हैं और अकाउंट्स मेंटेन करने की नीड क्यों है? तो इसको हम लोग देखते हैं, इसमें अकाउंट्स क्यों मेंटेन किए जाते हैं। पहली वजह ये है कि फंड्स जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में, वो ये देखना चाहते हैं कि जो भी अमाउंट वो लगा रहे हैं वो ऑनेस्टली अकाउंट फॉर हो रही है, यानी उसको उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए वो अमाउंट लगा रहे हैं वो उसे उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर अकाउंट्स मेंटेन होंगे तो वो उन अकाउंट्स में देख सकेंगे कि अमाउंट असल मकसद पर इस्तेमाल हो रही है। और इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जब अकाउंट्स मेंटेन होंगे तो हम लोग ये जान सकेंगे कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की जा रही है और क्या क्या नीड मज़ीद इस हॉस्पिटल की हैं, और उन नीड्स के मुताबिक कितने फंड्स फ्यूचर में हमें रिक्वायर होंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम कर रही होती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट क्लब, स्पोर्ट्स क्लब आते हैं, और इसके अलावा इनका जो मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। यहाँ हमने हॉस्पिटल की एग्जांपल देखी, अब हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं इसके बाद हमने ये जाना। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आमतौर पर कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करती हैं।